हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 WWE सुपरस्टार्स के बारे में जिन्हें विंस मैकमैन कभी भी कंपनी से जाने नहीं देंगे। 15 अप्रैल 2020 को WWE इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक माना जाएगा। आपको बता दें, इस दिन कंपनी ने अपने 20 सुपरस्टार्स को रिलीज किया था। वर्तमान समय में फैली महामारी से WWE को काफी नुकसान हुआ है और शायद यही कारण है कि उन्होंने अपना बजट कम करते हुए इन सुपरस्टार्स को रिलीज करने का फैसला किया। लेकिन कुछ सुपरस्टार ऐसे भी जिन्हें विंस मैकमैन कभी भी कंपनी से रिलीज करना नहीं चाहेंगे। 7वें नंबर पर है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्रॉक लेसनर दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है। पिछले कई सालों से उनकी आलोचना होती रही है क्योंकि वह एक पार्ट टाइमर होने के बावजूद भी कंपनी में टॉप स्पॉट में रहते हैं। लेकिन ऐसा इसीलिए है क्योंकि वह अपने दम पर किसी भी पेपरव्यू को हिट कराने की क्षमता रखते हैं और शायद यही कारण है कि विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर जैसे मेगा स्टार को कंपनी से जाने नहीं देंगे। 6ठे नंबर पर है डेनियल ब्रायन। डेनियल ब्रायन WWE में करीब एक दशक से हैं और इस दौरान वह कई बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि डेनियल ब्रायन को बैक स्टेज पावर प्राप्त है और यही नहीं, उनके पास क्रिएटिव कंट्रोल भी है। शायद यही कारण है कि उन्होंने कॉपी किंगस्टन और ड्रू ग्लो के साथ फ्यूड करके उन्हें पुश करने का फैसला किया। यह सारी चीजें दर्शाती है कि डेनियल ब्रायन को WWE में अहम पद प्राप्त है और यही कारण है कि विंस मैकमैन उन्हें कभी भी WWE से जाने नहीं देंगे। 5वें नंबर पर है फिनोमिनल वन एजे स्टाइल। आपको बता दे, एजे स्टाइल ने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि WWE में उन्हें इतनी सफलता मिलेगी और वह WWE में इसीलिए आए थे ताकि वह रिटायर होने से पहले ढेर सारे पैसे कमा सके। हालांकि जब कोई रेसलर टैलेंटेड होता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसा ही एजे स्टाइल के साथ हुआ और वह अपने डेब्यू के मात्र 7 महीनों के भीतर ही WWE चैंपियन बने। आपको बता दे, फिनोमिनल वन के रिटायर होने में कुछ ही साल बचे और विंस मैकमैन उन्हें रिटायर होने से पहले शायद ही WWE से जाने देंगे। 4ठे नंबर पर है द फिंड ब्रे वाइट। ब्रे वाइट WWE के सबसे रोचक सुपरस्टार्स में से एक है। हालांकि ब्रे वाइट के रूप में उन्हें काफी सफलता मिली और वह WWE चैंपियन भी बने। द फिंड के रूप में डेब्यू करने के बाद से ही उनके कैरियर में जबरदस्त उछाल आया है और इस दौरान वह कंपनी के सबसे बड़े मेन इवेंट सुपरस्टार्स में से एक बने और यही नहीं, इस दौरान वह यूनिवर्सल चैंपियन भी बने। यही कारण है कि विंस मैकमैन उन जैसे सुपरस्टार को WWE से जाने नहीं देंगे। 3रे नंबर पर है बेकी लिंच। यह कहना गलत नहीं होगा कि बेकी लिंच वर्तमान समय में WWE की सबसे बड़ी विमेन सुपरस्टार है। बेकी लिंच ने रेसलमेनिया 35 के मेन इवेंट में रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर को हराकर खुद को विमेन्स डिवीजन के फेस के रूप में स्थापित किया था और विंस मैकमैन उनके जैसे बड़े सुपरस्टार को शायद ही कंपनी से जाने देंगे। 2रे नंबर पर है सेथ रॉलिंस। WWE सेथ रॉलिंस को पिछले 5 साल से पुश देते हुए आ रही है। यही चीज दर्शाती है कि सेथ रॉलिंस कंपनी के लिए कितने बड़े महत्वपूर्ण सुपरस्टार है। सेथ रॉलिंस एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्हें ज्यादा दिनों तक वर्ल्ड टाइटल पिक्चर से दूर नहीं रखा जा सकता। विंस मैकमैन भी कंपनी में द आर्टिकेट के महत्व को समझते हैं और वह कभी भी सेथ रॉलिंस को कंपनी से जाने नहीं देंगे। पहले नंबर पर है द बिग डॉग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि रोमन रेंस विंस मैकमैन के सबसे पसंदीदा सुपरस्टार्स में से एक है। यही कारण है कि फैंस के ना चाहते हुए भी विंस मैकमैन ने रोमन रेंस को पुश देना जारी रखा। फैंस भले ही रोमन रेंस को कितना भी नफरत करते हो, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में बैठे लाखों फैंस द बिग डॉग को मैच लड़ते हुए देखना चाहते हैं। वर्तमान में रोमन रेंस WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार है और यही कारण है कि विंस मैकमैन उन जैसे बड़े सुपरस्टार को कंपनी से जाने नहीं देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे।